एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो क्या आएगा, टू माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस वाई होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे थ्री माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस एट माइनस वाई होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, टू स्क्वायर इज फोर, फाइव माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल लेंगे, ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई दिस इज इक्वल टू नाइन प्लस सिक्सटी फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई। जो कैंसिलेशन हो रही है कैंसिलेशन कर दो, वाई स्क्वायर कट गया, बस क्या रह गया अब, वाई वाली टर्म्स एक तरफ कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ, माइनस टेन वाई प्लस सिक्सटीन वाई दिस इज इक्वल टू सिक्सटी फोर प्लस नाइन सेवेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी नाइन, सो दिस इज सिक्स वाई इक्वल टू फोर्टी फोर, y is equal to 44 by 6, yani ki 22 by 3. So the required point is 0, 22 by 3. यहाँ पे इस वाले मेथड से कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी, उस वाले से कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो गो फॉर द इजी, ठीक है? नहीं, फ्रैक्शंस में बाकी डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, तो अकॉर्डिंगली यू विल डू। नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट फाइव कॉमा वन एंड माइनस वन कॉमा फाइव, सेम इसी तरीके से है, एक पॉइंट ए गिवन है मुझे एक्स कॉमा वाई, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट बी एंड सी, बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है फाइव वन और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है माइनस वन कॉमा फाइव। सबसे पहली चीज जो बच्चे मोस्टली इसमें गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब आपको गिवन है कि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, तो आप लोग मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हो, फिगर को इस तरीके से बनाते हो, अब वो इक्विडिस्टेंट है तो आप ले लेते हो कि वो मिड पॉइंट होगा, बट दिस इज रॉन्ग, हमें नहीं गिवन है कि वो मिड पॉइंट है, हमें सिर्फ ये गिवन है कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो पॉइंट आपका ऊपर या नीचे की तरफ कहीं भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक फिगर बना लेना। अब ये इक्विडिस्टेंट है यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर, स्क्वायर मैंने सीधा स्क्वायर ले लिया है, रूट हट जाएगा, तो एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर। माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, अभी आपकी एक्स और वाई में एक इक्वेशन बनेगी, और जो कैंसिलेशन हो रही है वो कर दो, प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस वन, सिर्फ एक्स और वाई वाली टर्म्स रहेगी, तो माइनस टेन एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वाई प्लस टू वाई, एक्स वाली एक तरफ वाई वाली एक तरफ, क्योंकि मुझे जो ऑप्शंस गिवन है वो एक्स और वाई के रिलेशन की फॉर्म में गिवन है, सो दिस इज माइनस ट्वेल्व एक्स, सो दिस इज योर आंसर। तो आपकी जो ऑप्शंस गिवन थी वो इसी फॉर्म में थी, एक ऑप्शन थी टू एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, एक थी थ्री एक्स इज इक्वल टू टू वाई, एक एक्स इज इक्वल टू वाई, एक फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई, तो दिस बी ऑप्शन इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एट ही है, दिस इज एट, तभी वो टू से कट किया है। नेक्स्ट है, अ लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, तो रफ फिगर बना लेते हैं हम तो इजी हो जाता है हमारा काम। अब एक लाइन है जो दोनों एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, तो लाइन आपकी इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है? इट कट्स द वाई एक्सिस एट पी एंड एक्स एक्सिस एट क्यू। अब मुझे इसका मिड पॉइंट गिवन है, इट्स मिड पॉइंट इज टू बी गिवन एज 12 कॉमा माइनस 6, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, क्या करें, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कुछ एज्यूम करना पड़ेगा मुझे,
क्या माने एक्स कॉमा वाई क्यों, पॉइंट्स मुझे वाई एक्सिस से गिवन है और एक्स एक्सिस से गिवन है, उसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। वाई एक्सिस पे एनी पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y, तो मैं इसको 0, b मान लेती हूँ और इस पॉइंट को a, 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इज 0। तो अब क्योंकि ये 0 आ गया, a के वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, हमारा काम इजी हो गया। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, a प्लस 0/2 इक्वल टू 12, x कोऑर्डिनेट को x के इक्वेट कर दिया और y कोऑर्डिनेट के सम को y के इक्वेट कर दो, तो दिस इज b कितना आ गया -12 और a कितना आ गया 20। So this will be your answer. क्या आंसर आएगा 24.0 and 0.-12। ठीक है, मास्क लगाओ मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे मुझे, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ α, β+1 एंड α+1, β+2। अब मिड पॉइंट मुझे गिवन है, फर्स्ट पॉइंट गिवन है α, β+1 और सेकंड पॉइंट गिवन है α+1, β+2। इनका मिड पॉइंट हमें गिवन है, दैट इज गिवन टू बी 3/2 एंड 5/2। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ α+1 and β-1, इसकी वैल्यू मुझे निकालना। हाँ जी, सेक्शन फॉर्मूला क्यों, रेशियो थोड़ा गिवन है हमें, हमें क्या गिवन है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ α, β+1 एंड α+1, β+2 इज दिस, ये मुझे मिड पॉइंट गिवन है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लोगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो क्विकली डू इट योर सेल्फ and tell me the answer. x1 + x2 / 2, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो गए, 2α + 1 = 3, यानी कि 2α = 2, α = 1, यहां से सिंप्लीफाई करके 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2β + 3 = 5, यानी कि β = 1। तो दोनों केसेस में वैल्यूज 1 आ गई आपकी। अब यहाँ पे पुट करो, दिस इज 1 + 1, 1 - 1, सो योर आंसर विल बी 2, 0। क्लियर। अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, केस स्टडी पे बेस्ड है, केस हमें क्या गिवन है, विदूषक एंड एलियन इज विजिटिंग प्लैनेट अर्थ टू एक्वायर काउज स्पेसिमेन फॉर हिज रिसर्च वर्क ऑन दिस 4-legged बिग एनिमल लिविंग ऑन प्लैनेट अर्थ सिंस मिलियन ऑफ ईयर। विदूषक एक एलियन है जो अर्थ पे काउज पे एक रिसर्च कर रहे हैं और वो क्या करता है कि इनका स्पेसिमेन लेने के लिए नीचे अर्थ पे आता है। He got his spaceship landed in a plain huge grass field। बहुत बड़े ग्रास फील्ड, जो प्लेन ग्रास फील्ड आपको गिवन है, वहां पे वो अपनी शिप को लैंड करता है, स्पेसशिप को लैंड करता है। The spaceship's sensors are generating coordinates of cows in the meters given below. Origin is the location of the spaceship. अब हमने क्या करना है, जहां पे उसने spaceship को उतारा उस point को हमने origin मान लिया। तो यहाँ पे क्या है, spaceship है, ये point origin मान लिया। अब उसने different locations given है, यहाँ पे एक cow है C1, उसकी लोकेशन है 2, 4, काउ C2 उसकी लोकेशन है 5, 3/2, काउ C3 इट्स लोकेशन इज -1, 3/2 एंड
tau C4, its location is 2, minus 1. Spaceship origin पे है और काउस की जो लोकेशन है वो ये गिवन है, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, स्पेसशिप कैन सक एनी एनिमल हाउ एवर ह्यूज विद इन अ रेडियस ऑफ 5 meters फ्रॉम इट थ्रू इट्स सक्कर। अगर स्पेसशिप का सक्कर जो है वो चलाया जाता है तो मान लो अगर ये स्पेसशिप है तो ये अपने आसपास के 5 meters रेडियस के जितने भी एनिमल्स जितने मर्जी वो बड़े हों उनको सक कर सकती है, अपने में अपने अंदर खींच सकती है। यही कुछ करना है उसने, विदूषक ने एक काउ लेके जाना। तो जहां उसने स्पेसशिप खड़ी की, स्पेसशिप में ये क्वालिटी है कि अगर उसके सक्कर को ऑन कर दिया जाए किसी भी डायरेक्शन में मूव करके तो विद इन अ रेडियस ऑफ 5 meters जितने भी एनिमल्स होंगे उन सबको वो क्या करेगी, सक कर दे। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी लकियर इन एस्केपिंग इट्स किडनैपिंग बाय विदूषक्स स्पेसशिप। इनमें से कौन वो एनिमल लकी होगा जो अपने आप को विदूषक की किडनैपिंग से बचा पाएगा। नेचुरली जो स्पेसशिप से 5 meters के डिस्टेंस से ज्यादा होगा दैट विल बी द लकियर वन। तो लेट्स फाइंड आउट देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम ओ, ओ से इनके डिस्टेंसेस बताइए क्या क्या आएंगे। ओ सी वन कितना आएगा, इनके स्क्वायर्स का सम अंडर का रूट हो जाएगा क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट आपका जीरो है, ये क्या आएगा, रूट 20 दैट इज 2 root 5। अगला क्या करो, जल्दी करके बताओ, 5 square 25 plus 9 by 4 under 9 by 4 under the root, so root 109/2। next बताइए, हाँ जी रूट क्यों, किसको किया है आपने, वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस 9/4 कितना आया, हाँ रूट 13। नेक्स्ट ओ सी 4 तो अब इसमें से किसकी वैल्यू जो है वो 5 से ज्यादा आ रही है, रूट 5 की क्या वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जल्दी बोल लो, 2.4 समथिंग, तो 2.4 समथिंग इनटू 2 दैट इज लेस देन 5, रूट 109 10 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे 5 पॉइंट समथिंग, 5 से बड़ा आ गया, यानी कि ये 5 से बड़ा है, एक तो ये तो किडनैप होगा ही होगा। अब इसको देखो रूट 13 कितनी वैल्यू होती है इसकी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है, 5 से लेस है। अब इस पे आओ रूट 5 2.4 दैट इज अगेन लेस देन 5, यानी कि ये तीनों के चांसेस हैं कि ये किडनैप हो सकते हैं क्योंकि इनका जो स्पेसशिप से डिस्टेंस आ रहा है दैट इज लेस देन 5, ये इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, ये जो है ये 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये इस रेंज से बाहर आ रहा है, सो C2 पोजीशन पे जो काउ है दैट विल बी द लकियर वन टू एस्केप। सेकंड पार्ट, व्हिच काउ इज ग्रेजिंग नियरेस्ट टू द स्पेसशिप, सबसे नियरेस्ट कौन सी काउ है स्पेसशिप के, हाँ जी काउ नंबर, हाँ जी 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
विच काउ इज नियरेस्ट टू सी फोर, सी फोर के सबसे पास कौन सी काउ होगी? अब उनको आपस में डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना, कौन सी काउ से देखना है? सी फोर से. तो यू आर टू फाइंड सी वन सी फोर, सी टू सी फोर, सी थ्री सी फोर. जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कम होगा वो नियरेस्ट होगी. पार्ट फोर, स्पेसशिप्स मॉनिटर इमीडिएटली जॉइंड द लोकेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ बफलोस टू हैव बट बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर विदूषक. व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इज सीन ऑन द मॉनिटर? अब देखो इनकी पोजीशंस अगर आप प्लॉट करने लगो तो क्या पोजीशंस बनेंगे? स्पेसशिप यहां पे है, फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? 2.4. ड्रॉ करो इसको जल्दी से, देखो कौन सी पोजीशन बन रही है. फाइव पे 3/2 यानी कि 1.5 यहां कहीं आ जाएगा ये, देन माइनस वन और 1.5. टू एंड माइनस वन, अब इनको ज्वाइन करो क्या बनेगा? व्हाट काइंड ऑफ फिगर विल बी फॉर्म? किस टाइप का फिगर आएगा ये? डिस्टेंसेस निकालोगे तो सी वन सी टू कितना आएगा आपका? सी वन पॉइंट है 2.4 ये वाला, सी टू है 5, ये सी टू, 2-1 इज सी फोर एंड दिस इज सी थ्री. अब पॉइंट्स बताओ क्या क्या आ रहे हैं. साइड्स निकालो, सारी साइड्स इक्वल आएंगी, ठीक है? और जब आप डायगनल्स निकालोगे, डायगनल्स विल बी अनइक्वल. साइड्स इक्वल, डायगनल्स अनइक्वल मींस दिस इज अ स्क्वायर और रोम्बस, रोम्बस, ठीक है? तो आंसर आपका आएगा कि दिस इज अ रोम्बस शेप्ड, मींस दे आर, दिस इज फॉर्मिंग अ रोम्बस. ये कंप्लीट कर लेना, लेंथ आपने निकालनी है, दैट यू विल फाइंड आउट योर सेल्फ. हाँ जी, नहीं अभी इन वालों की सेंड करनी है, मैंने आज कर दूं. क्वेश्चन नंबर 5 है, विदूषक गेट आउट ऑफ स्पेसशिप एंड स्टैंड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग C2 एंड C3. C2 और C3 के मिड पॉइंट पे उसने स्टैंड करना है. C2 C3 के पॉइंट्स आ गए. विदूषक स्टैंड्स एट दिस, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ विदूषक रिकॉर्डेड बाय द सेंसर्स ऑन द मॉनिटर? क्या आएगी पोजीशन? ही इज स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ C2 एंड C3. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लोगे, 5-1/2, 4/2, 2, 3/2 प्लस 3/2 कितना बना? 3 और बाय टू ओवरऑल, y1 + y2 / 2, तो दिस इज 3/2, 2.3/2 विल बी हिज पोजीशन. क्लियर है ये? चले अगले पे. अब सेकंड केस स्टडी है, अ प्लेग्राउंड इज मार्क्ड विद 10x10 ग्रिड एज शोन इन द फिगर. थ्री पैरेट्स आर सिटिंग एट
थ्री फोर सिक्स सेवन नाइन फोर पोजिशंस गिवन है. कोयल के जॉइंस देम एंड सिट समवेयर इन द ट्रायंगुलर रीजन डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रायंगल पी वन पी टू पी थ्री एज ऑरिजिन. तो सबसे पहले आप ये रफली ड्रॉ कर लो. 10x10 का स्क्वायर ग्रिड है तो यानी कि 10x10 मार्क करना है हमने. तो दे आर सिटिंग ऑन द पॉजिटिव वैल्यूज. सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर दिस. टेन मार्क्स हम लेंगे ऑन द एक्स एक्सिस एंड 10 ऑन द वाई एक्सिस. नेगेटिव साइड पे कोई भी नहीं है तो आई एम जस्ट टेकिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो पोजीशंस हमें गिवन है पी वन की पैरेट वन की पोजीशन गिवन है 3, 4. सो दिस इज द पोजीशन 3, 4. पैरेट टू की पोजीशन वी आर गिवन एज 6, 7. सो यहाँ कहीं होगा पैरेट टू. एंड थर्ड वाला जो पैरेट है पी थ्री दैट इज गिवन टू बी 9, 4. ठीक है. अब एक कोयल जो है वो आती है और इनको ज्वाइन करती है एंड इट सिट्स समवेयर इन बिटवीन दिस ट्रायंगुलर रीजन. यहाँ पे कहीं पे भी वो बैठ जाती है. अब क्वेश्चन जो है वो क्या है और जहां पे कोयल बैठेगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिन. ठीक है. नहीं, उस पॉइंट को ओरिजिन नहीं करना, इस ओ को ओरिजिन कंसीडर करना है हमने. कोयल कहीं पे भी आके बैठ जाएगी. अब क्वेश्चन क्या है, कोयल सिट एग्जैक्टली ऑन मिड पॉइंट ऑफ पी वन पी थ्री, व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स. कोयल पी वन और पी थ्री के बीच में आके बैठती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. दिस इज योर पी वन, दिस इज योर पी थ्री. इन दोनों के बीच में आके वो बैठ रही है तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे. मिड पॉइंट निकाल लोगे क्या आएगा, 6 + 3/2 यानी कि 9/2 एंड 2. किस किस को ऐड करने है? कितना आएगा, 0.s में नहीं, मुझे वैसे बताओ, फ्रैक्शन में बताओ, 0.s में नहीं कन्वर्ट करो. कितना आया, सिंपल ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2. इतना टाइम किस किस को ऐड करना है. y1 + y2 / 2, 7 + 4 इज, अब वो भी फिंगर से काउंट होएगा, 11/2. आपको 90 मिनट्स कम पड़ जानी है इस हिसाब से. सो द पोजीशन ऑफ द कोयल इज 9/2 एंड 11/2. दिस इज योर ऑप्शन ए इन द क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस, इफ कोयल सिट्स एट द सेंट्रॉइड ऑफ P1, P2, P3, देन द लोकेशन इज गिवन बाय, देन इट्स लोकेशन इज गिवन बाय. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3. देन द सेंट्रॉइड इज गिवन बाय x1 + x2 + x3 / 3 है, यहाँ ध्यान देना 2 नहीं है, एंड y1 + y2 + y3 / 3. अब बताओ क्या आएंगे p1 p2 p3 के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स. आई कैन सी वन हैंड रेज. यस कृषान, यू कैन आंसर, जस्ट अ मोमेंट. मैम 6, 5. 6, 5. 3 + 6 = 9 + 9 = 18/3. वेरी गुड, इट्स 6. एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इसका जो सम है दैट इज 15/3. सो योर आंसर इज 6, 5. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ कोयल के फ्रॉम P1 इन पोजीशन 1 मेंशनड अबव इज गिवन बाय. कोयल का डिस्टेंस
जो है फ्रॉम पी वन इज गिवन बाय, कौन से पॉइंट से डिस्टेंस हमने निकालना है इसका? हाँ तो क्या आएगा? क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ कोयल के फ्रॉम पी वन? इन पोजीशन वन यानी कि जो उसकी फर्स्ट उसकी पोजीशन आई थी 9/2, 11/2, इसका आपको पी वन से डिस्टेंस निकालना है। क्या आएगा? You have to find the distance of these two points. Position one, क्योंकि उसकी mid point थी, तो position one से P1 का distance आपने निकालना है, that is given by distance formula लगाइए। ये आ रहे जल्दी बताओ कितना आएगा? इतना टाइम थोड़ा लगेगा। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आंसर बताओ जल्दी से। टू टाइम्स हो जाएगा ये, ए प्लस ए टू ए हो गया, तो 9/4 इज 3/2 रूट टू। या इसी तरीके से छोड़ोगे क्योंकि इरेशनल हमने डिनोमिनेटर में नहीं लेना। So this will be your answer. Clear? So rest of the questions we will do on Monday. As the bell has gone, so I am ending the meeting. Online students, if any doubt is there, you can ask your doubt. Otherwise, I am ending the meeting.